हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हैज़ टू। हैज़ टू क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लो आप किसी काम को या फिर कोई भी व्यक्ति किसी काम को मजबूरी में करता है, यानी आपको या किसी व्यक्ति को काम करने का मन नहीं रहता है, अर्थात उस काम को मजबूरी में करना पड़ता है, तो वहां पे हम हैव टू और हैज टू का यूज करेंगे। सो गाइस, हैव टू मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आज हम सिर्फ सीखेंगे हैज टू। सो गाइस, समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। सो गाइस, रूल के अनुसार सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों? सब्जेक्ट हो सकता है ही, सी, इट और सिंगुलर। जैसे योर ब्रदर, माय ब्रदर, हर डॉटर, हिज ब्रदर, आर ब्रदर, देयर सिस्टर एटसेट्रा। फिर इसके बाद आपको पुट करना है हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसे खेलना है या उसे खेलना पड़ता है, तो सबसे पहले हमें रूल के अनुसार क्या यूज करना है? हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा है ही। यदि हम फीमेल को मान के चलते तो हम यहाँ पे क्या यूज करते? हम यूज करते सी। लेकिन हम यहाँ पे मेल को मान करके चल रहे हैं तो हम यूज करेंगे ही। फिर इसके बाद यूज करना है गाइस हैज टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा प्ले। कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही हैज टू प्ले। अब हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे डजंट हैव टू। यहाँ पे हैज टू का यूज हम नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसे नहीं खेलना है तो सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हम मान के चलते हैं मेल, तो हम यूज करेंगे ही। फिर इसके बाद डजंट हैव टू, डजंट हैव टू। फिर हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा प्ले। कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही डजंट हैव टू प्ले। सो गाइस, अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हम किसी से बोलते हैं कि क्या उसे क्रिकेट खेलना है, क्या उसे मार्केट जाना है, यानी हम किसी व्यक्ति से थर्ड पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसे ये करना है, क्या उसे वो करना है, तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमें यूज करना है डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या उसे खेलना है, तो सबसे पहले हमें रूल के अनुसार क्या यूज करना है? डज। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगाना है दोस्तों हैव टू, हैव टू। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब है हमारा प्ले। क्या उसे खेलना है? डज ही हैव टू प्ले। अब हम इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि क्या उसे मार्केट नहीं जाना है, क्या उसे खाना नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का यूज करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमें यूज करना है डजंट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम पुट करेंगे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या उसे
नहीं खेलना है तो सबसे पहले हमें यूज करना है डजंट डजंट, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही, फिर हम पुट करेंगे हैव टू, फिर इसके बाद पुट करना है गाइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब है हमारा प्ले। क्या उसे नहीं खेलना है? डजंट ही हैव टू प्ले। सो गाइस अब मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोलूंगी और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। उसे मार्केट जाना है, ही हैज टू गो टू मार्केट। उसे मार्केट नहीं जाना है, ही डजंट हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे मार्केट जाना है? डज ही हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे मार्केट नहीं जाना है? डजंट ही हैव टू गो टू मार्केट। मेरी सिस्टर को ऑफिस जाना है, माई सिस्टर हैज टू गो टू ऑफिस। मेरी सिस्टर को ऑफिस नहीं जाना है, माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू ऑफिस। क्या मेरी सिस्टर को ऑफिस जाना है? डज माई सिस्टर हैव टू गो टू ऑफिस। क्या मेरी सिस्टर को ऑफिस नहीं जाना है? डजंट माई सिस्टर हैव टू गो टू ऑफिस। आपके भाई को ड्राइव करना पड़ता है, योर ब्रदर हैज टू ड्राइव। आपके भाई को ड्राइव नहीं करना पड़ता है, योर ब्रदर डजंट हैव टू ड्राइव। क्या आपके भाई को ड्राइव करना पड़ता है? डज योर ब्रदर हैव टू ड्राइव। क्या आपके भाई को ड्राइव नहीं करना पड़ता है? डजंट योर ब्रदर हैव टू ड्राइव। उसे खाना बनाना पड़ता है, शी हैज टू कुक फूड। उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है, शी डजंट हैव टू कुक फूड। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज शी हैव टू कुक फूड। क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है? डजंट शी हैव टू कुक फूड। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू।